कैसे हैं आप सब? तो आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे लौकी वाले पनीर की सब्जी। लौकी का पनीर बनाने के लिए हम लेंगे लौकी। मैंने दो लौकी लिए हैं छोटे साइज के, आप अपने हिसाब से बड़े छोटे ले सकते हैं। ये वजन में 300 ग्राम है। तो अब हम इसको रफली काट लेंगे मोटे मोटे पीसेस में। तो हमने लौकी को बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। तो अब हम प्याज को, टमाटर को भी रफली काट लेंगे और अदरक को भी। हमने प्याज टमाटर को भी रफली काट लिया है। तो अब सबसे पहले इस लौकी को हम मिक्सी के जार में डालेंगे और मिक्सी के जार में डाल के हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। तो हमने मिक्सी को बंद कर दिया है, बिना पानी डाले ही पीसे क्योंकि ये बहुत पानी छोड़ता है लौकी। और आप देखें इस तरह से ये पेस्ट बन गया है। तो अब इस पेस्ट को हम डालेंगे एक बर्तन में, कटोरे में या जो भी बर्तन आपके पास हो। देखिए इस तरह से पेस्ट बन गया है, जरा सा भी दाना नहीं है। अगर हो गुठलियाँ तो आप निकाल दें। तो हमने इसको बॉल में निकाल लिया है, एक दो छोटे छोटे पीसेस रह गए थे लौकी के, तो मैंने उसको भी चुन के निकाल दिया है। आपके भी हो तो निकाल लें, वरना बहुत देर तक मिक्सी को चला के बिल्कुल अच्छे से पेस्ट तैयार करें। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच चावल का आटा। अगर आपके पास ना हो तो आप छोड़ सकते हैं, यानी सिर्फ मैदा डाल सकते हैं। और डालेंगे 2 चम्मच मैदा। और डालेंगे दही 2 चम्मच। दही गाढ़ी दे, पतली ना दे, क्योंकि लौकी का जो पेस्ट है ना वो खुद पतला है, नहीं तो वो और पतला हो जाएगा। 2 चुटकी बेकिंग सोडा, जिससे कि ये फूल जाए। इसको अच्छे से मिलाएंगे। और डालेंगे 4 दाना चीनी, क्योंकि पनीर में थोड़ा मीठापन भी होता है ना, आप किसी भी चीनी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा कड़ाई डाल दिया। और डालेंगे स्वाद अनुसार, नहीं मतलब थोड़ा सा नमक, क्योंकि फिर हम सब्जी में भी नमक डालेंगे ना, तो थोड़ा सा नमक। और इसको फिर से अच्छे से चलाएंगे, मिला लेंगे। देखिए इस तरह का बैटर तैयार होना चाहिए। हमने बैटर को अच्छे से मिला लिया है। तो अब करेंगे एक प्लेट में ऑयल की ग्रीसिंग इस तरह से, और बैटर को अच्छे से मिलाने के बाद डाल देंगे इसमें इस तरह से पोंछ के, और इस तरह से टैप टैप करके इसको मिला लेंगे। इसको अच्छे से बैठा देंगे। और उधर हमने तब तक गैस जलाकर इस बर्तन में पानी चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। तो मेरे पास कोई स्टैंड नहीं है, तो मैं गैस का ये वाला निकाल रही हूँ और इसको ऐसे उल्टे करके इसके ऊपर रख दूंगी। पानी गर्म हो चुका था, तो अब इस पर हम रख देंगे ये प्लेट। अच्छे से रखेंगे, हाथ ना जले आपका। और इसको ढक देंगे इस तरह से, और ढक के इसको 8 से 10 मिनट तक छोड़ देंगे। और तब तक गैस पे चढ़ा लेंगे कढ़ाई और गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म होने के बाद डालेंगे इसमें थोड़ा रिफाइन, आप सरसों तेल भी डाल सकते हैं। तो हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, हम इसमें डालेंगे एक दालचीनी, थोड़ा सा जीरा, खड़ा जीरा, थोड़ा सा काली मिर्च, खड़ी काली मिर्च हमारे यहाँ इसको गोलकी कहते हैं, और 2 इलायची के दाने। और इसको थोड़ा चटकने देंगे। तो ये चटक गए, हम इसमें डालेंगे लहसुन, अदरक और मिर्ची, और थोड़ा इसको हिला लेंगे करछी की मदद से। और फिर इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज, जो हमने रफली काटा था ना। हमने 3 बड़े साइज के प्याज और 2 छोटे साइज के टमाटर काटे हैं। टमाटर की क्वांटिटी हमेशा प्याज की क्वांटिटी से कम होनी चाहिए। और इसको सुनहरा होने तक भून लेंगे। हमने जो लौकी को चढ़ाया है ना, तो गैस का फ्लेम लो रखा है, क्योंकि मेरी बर्तन बहुत पतली है। तो हमने प्याज को सुनहरा कर दिया है। और अब इसमें डालेंगे हम टमाटर, और टमाटर को भी थोड़ी देर सॉफ्ट होने देंगे। और हाँ, हम ना ये ग्रेवी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब वो जो जिससे पनीर बनेगा ना लौकी से, उसकी सब्जी बनाने के लिए ग्रेवी की तैयारी कर रहे हैं। आप ग्रेवी की जगह अपने हिसाब से भी कुछ भी, मतलब किसी तरह भी सब्जी बना सकते हो, सूखी सब्जी, प्याज सिर्फ कट करके, जैसे आपका मन हो।
पनीर बनाने का प्रोसेस ना सिर्फ उधर उधर का है, उसकी सब्जी बनाने मतलब उसकी ग्रेवी बनाने के लिए हम ये भून रहे हैं। तो 10 मिनट हो चुका है, अब हम इसको देखेंगे। अगर आपकी बर्तन मोटी हो तो आप थोड़ा फ्लेम ऊपर नीचे कर सकते हैं, मैंने एकदम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे चलाया। ये देखिए मैं चम्मच को इस तरह से सटा रही हूँ ना, तो इसमें नहीं लग रहा है, इसका मतलब फूल गया। और आपने देखा होगा कि जब मैंने इसमें डाला था ना तो ये बिल्कुल आधा था, और अभी देखिए ये बिल्कुल फूल गया है। उस टाइम मैं टैप कर रही थी उस वक्त आधा था ना, अब देखिए फूल के कितना ज़्यादा हो गया है। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमने मीडियम हाई करते हुए इसको भी सॉफ्ट कर लिया है, तो अब इसको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। तो हमारा पनीर हो गया है ठंडा, अब हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे प्लेट में, और हमारा वो प्याज टमाटर भी ठंडा हो गया है। तो कर लेंगे हम इसकी कटिंग इसी प्लेट में, आप जिस शेप का काटना चाहे। अब फटाफट से होगा हमारा काम। सब्जी तो आप अपने अनुसार बना सकते हैं, ग्रेवी जैसी आपको बनानी हो या सूखा भूंज के रखना हो। तो हमने यहाँ कट कर लिया है अपने पनीर को, लौकी वाले पनीर को, और अब हम अपने प्याज टमाटर को भी फटाफट से डालेंगे मिक्सी के जार में। हमने उसको भी बिना पानी डाले पीस लिया है। कढ़ाई को गैस जला के कर लिया हमने गर्म, उसमें डालेंगे थोड़ा सा रिफाइन ऑयल या सरसों का तेल। तो तेल गर्म हो चुका है, हम उसमें डालेंगे एक तेज पत्ता, एक दालचीनी, खड़ी दालचीनी छोटी बड़ी जितनी बड़ी हो आपके पास, और कुछ काली मिर्च के दाने, और एक या दो आपको जितना तीखा पसंद हो उस हिसाब से सूखी लाल मिर्च। और इसमें डाल देंगे अब हम ये मसाले जो हमने पीस के रखा था। फ्रेंड्स, अगर हम मेरी वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो किसी भी मसाले डाल दें, हम इस तरह से इसको चलाएँगे। तो अब हम डालेंगे इसमें एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच मिर्ची पाउडर। आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा या घटा सकते हैं अपने तीखेपन के अनुसार, जितना आप तीखा खाते हो। आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। मसाले का कलर कितना सुंदर आ रहा है ना, लग रहा है ये सारा कश्मीरी लाल मिर्च का कमाल है। उसको डालने से ना सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है, किसी भी चीज़ में डालो, किसी भी सब्जी में, बाकी उसका टेस्ट में कोई रोल नहीं होता, बस कलर उससे बहुत प्यारा आता है, बहुत खूबसूरत लगती है सब्जियाँ। हमारा मसाला भून चुका है, तो अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और एक मिनट और भून के इसमें डाल देंगे पानी। इसमें पानी डाल दिया है, तो अब इसमें उबाल आने देंगे हाई फ्लेम पर। तो हमारे ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ गया है, हम इसमें डालेंगे अपने लौकी के बनाए हुए पनीर को, और ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, थोड़ी देर ही पकाएंगे, क्योंकि हमारा ये भी पका हुआ है और मसाले भी भुने हुए हैं। तो एक से दो मिनट पका के हाई फ्लेम पर इसको बंद कर देंगे। हमारी सब्जी पक चुकी है, तो हम इसको बंद कर देंगे, ज़्यादा जोर जोर से नहीं चलाएंगे। ये देखिए तो हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे, और कस्तूरी मेथी या धनिया पत्ता डाल गर्मा गर्म सर्व करें।